हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम मिलाएंगे आपको हमारी क्लास के फेमस पर्सन से। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, और ये तो क्लासेस में आता ही नहीं है गाइस, और जब आएगा ना तो लगातार आएगा, और नहीं आएगा तो महीना भी नहीं आएगा। हम आपको बस मिलाते हैं अभी उससे। गाइस, आ रहा है हमारी क्लास का फेमस पर्सन। और निशांत, क्या हाल है? हम भी ठीक है। आ गए आप बड़े दिनों बाद। थोड़ा थोड़े अपने बारे में बता दो, बहुत दिनों बाद आए आप आज। मैं जरा बिजनेस में बिजी था एक्चुअली। गाइस, यहाँ पे धूप पड़ रही है, वहाँ पे जाएं। ये अपने बिजनेस में बिजी था। बहुत बड़ा बिजनेस मैन है ना ये। कितने किस चीज का बिजनेस है आपका? गाइस, इसने चार भैंस रखी हुई है। और फिर बस गाइस, आपने अभी देखा हमारी क्लास का फेमस पर्सन जिसने कि चार भैंसों का बिजनेस करके रखा हुआ है। और क्योंकि चार भैंस भी है बस ना, एक एक भाई कितनी गाइस, एक बकरी भी है, चार भैंसें और एक बकरी। अकेला देखता है, अकेले देखता है गाइस, चार भैंसों को और एक बकरी को अकेले देखता है ये लड़का। इसका है बिजनेस गाइस। अगर आपने भी कभी ऐसा बिजनेस किया और आप हमें बताएं। हमने तो और चीज़ों के बिजनेस सुने हुए थे, भैंसों बकरियों के बिजनेस हमने पहली बार ही सुने हैं। होते हैं वैसे? होते हाँ गाइस, होते हैं, डेयरी जो खोलते हैं लोग। सॉरी सॉरी, डायरी खोली तुमने? डायरी खोली गाइस, इसने डायरी खोली। 7 लाख नहीं लाता इसे ना, इसे 7 लाख झूठ नहीं लाता। और झूठ झूठ में झूठ है। नहीं सच में मजाक नहीं है। अगर तुम ना इस बंद करे इसको पहले बता दो। इन्हें भी बताएं, ये भी थोड़े से ओए, ये अपनी स्ट्रेटजी बता देगा गाइस। ये नहीं बताना चाहता है अपना प्लान, ये हमें बताएगा कैमरे के सामने, अपना प्लान नहीं बताएगा। इसने अपनी हमें ना स्ट्रेटजी बता दी है। इसकी स्ट्रेटजी जो है वो 5 लाख तक जा रही है। और जोसना बोल रही है वो देखो इसको, और जोसना बोल रही है 1 लाख जो है तू मुझे दे देना, फ्री में दे देना। ये है स्माइली आगे। स्माइली हाय, स्माइली स्माइली को गाइस पता नहीं क्या हो चुका है। ये देखो जोत्सना और मैं, आज की कविता बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर। आज जोत्सना बहुत अच्छी लग रही है, हम भी बोल देते हैं क्या जा रहा है बोल। हमें झूठी तारीफ नहीं चाहिए। ये जोत्सना झूठी तारीफ करती रहती है। मैं झूठी तारीफ थोड़ी करी, जोत्सना ने झूठी तारीफ नहीं की गाइस, मैंने झूठी तारीफ की बस। और यहाँ पर कुछ बच्चे जा रहे हैं, और जो सुना चले इन्हें कुछ बताते हैं। गाइस क्या बताएं हम आपको, आज हम सुबह आए और हमारी जो एक भी क्लास नहीं लगी सुबह से। हमारी फर्स्ट क्लास थी जो कि नहीं लगी, सेकंड क्लास लैब थी वो भी नहीं लगी, सेम मैम की थी। और अब जो है हम उसका वेट कर रहे हैं, थर्ड क्लास का वेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थर्ड क्लास का वेट। और वो तो लगेगी लगेगी, और उसमें हमारा टेस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पढ़ रहे हैं, जोसना पढ़ रही है, स्माइली भी पढ़ रही है, दीक्षा टाइम देख रही है। स्माइली ने टाइम पूछा कि टाइम कितना हुआ। स्माइली बहुत डरी हुई है, जिसको टेस्ट नहीं आता है गाइस। ऊपर से स्माइली की कॉपी भी इसके पास नहीं है, ये पढ़ रही है मेरी कॉपी से, और ये बोली थी कॉपी में बहुत अलग अलग वर्डिंग लिखी हुई है जोसना, क्योंकि मैंने लिखा है चैट जीपीटी से, मैं आधा गूगल से आधा चैट जीपीटी से मैंने मिक्स किया हुआ है। और जो उससे ना वो देखो गाइस कैमरा, पर आपको नहीं दिख रहा होगा फिलहाल। ये हम ही को गाइस ये लो देख लो, आप भी कैमरा देख लो, इन दोनों को देख लो, इस तीसरे को भी देख लो। जो उससे की राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, पर पता नहीं आज इसने कैसे अच्छा लिख दिया, समझ नहीं आ रहा है। मेरी भी नहीं है गाइस अच्छी है, देखो दीक्षा की राइटिंग बहुत ही अच्छी है। दीक्षा अपनी राइटिंग दिखाओ, दीक्षा अपनी राइटिंग दिखाओ गाइस, दीक्षा की राइटिंग है सबसे अच्छी। पर फिर भी एक बार इसको एक सर ने बोला था कि आप अपनी राइटिंग सुधारो। गाइस हम जो सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे कि जिस लड़की की राइटिंग इतनी अच्छी है उसे बोला राइटिंग सुधारो, और हमारी तो बहुत गंदी है, सबसे गंदी राइटिंग इस लड़की की है। आप देख सकते हैं इस शख्स को, बहुत ही गंदा गंदा लिखती है ये लड़की। मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, झूठ बोल रही है। और ये बहुत ज़्यादा भीड़ा लिखती है, और इसे देखकर हम भी भीड़ा लिखने लगे हैं। अब थोड़ी सी पेजों की बचत ही सही।
क्योंकि एक सेमेस्टर में कॉपी सही रहेगी ना। क्योंकि हम सोचते हैं फिर बार बार दो दो कॉपी लगाए तो वो गुम हो जाती हैं और फाइनल पेपर के टाइम पर नहीं मिलती हैं। इससे अच्छा एक ही कॉपी अच्छी है, ये हमने सीखा है इससे। कुछ तो सीखा है इससे, कुछ तो अच्छा सिखाया है इसने हमें। बाकी तो ये क्या ही सिखाएगी, लिखती है बहुत गंदा है। मैं लिखती अच्छा हूँ, झूठ बोल रही। देखो इसने फाइनल में यहाँ से पढ़ना, इसलिए इसने अच्छा लिखा हुआ है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा लिखती है। आपको इसकी रफ कॉपी दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जो उसने रफ कॉपी दिखा मैंने अभी दिखाते हैं गाइस आपको, इसकी रफ कॉपी को निकाल दी। ये देखो आप देख सकते हैं, ये फिलहाल फिर इसने थोड़ा ठीक लिखा। ये देखो आगे इसने रफ काम नहीं दिखा रही है, ये रफ काम तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लिखती है। आज उसमें पकड़ो, मैं ढूंढती हूँ आपका रफ काम। ये है शुभम की लीप जो हर ब्लॉग में होता है हमारे, आज वो छुट्टी पर है। ये देखो गाइस मिल गया इसका पतोड़ा। ये देखो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लिखती है लड़की, ये देखो। और अगर आप स्माइल की रफ कॉपी देखिएगा ना पर्सनल मैनेजमेंट की, तो आपकी हंसी जो है वो नहीं रुकेगी। हाँ गाइस अगर आप मेरी विजुअल बेसिक को देखोगे तो आप शायद बेहोश भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा शौक हो जाओगे। मैंने डेढ़ पेज का काम बिल्कुल इतनी सी लाइन में जो भी लिख दिया भीड़ा भीड़ा करके। और स्माइली यहाँ पर कविता की बेइज्जती कर रही है। गाइस अब हमारी लगने वाली है नेक्स्ट क्लास, 11:05 से किए हैं और 11:20 पे हमारी क्लास। तो अब हम लगवाएंगे क्लास और देंगे टेस्ट और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। स्माइली बाय करो। बाय गाइस, बाय बाय। फोकस ऑन जोश से ना। बाय गाइस।